हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मंडल सर्स कॉमर्स क्लासेस। आप सभी अच्छे होंगे मैं ये उम्मीद करता हूँ। और एक बार मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके, दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनी अकाउंट जो टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का, उसका शेयर्स का पार्ट वन लेके आज मैं आपके साथ लौटा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज शेयर्स। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के भी जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोस को आप बहुत ही प्यार और उन वीडियोस से आपने बहुत कुछ ही सीखा होगा। तो उसी तरीके से मेरे इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, दैट इज शेयर्स। शेयर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको इसको क्लियर करने की जरूरत है कि ये शेयर्स क्या होते हैं या शेयर मार्केट क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा। तो पहला चीज आप याद रखिएगा, हमारे देश में जो फाइनेंशियल मार्केट है, हमारे देश का जो फाइनेंशियल मार्केट है, उस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, हमारे देश में जो फाइनेंशियल मार्केट है याद रखिएगा वो सेबी के कंट्रोल में आता है। सेबी, जिसे कि हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं, इसको अप्रैल 12, 1988 में भारत सरकार के द्वारा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको गठित किया गया था। सेबी जो है, इसको काम सौंपा गया कि हमारे देश का जो कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, इसको ऑपरेट करने का। हमारे देश में जितने भी कंपनियां, जो कंपनीज एक्ट पुराना जो था 1956, या अभी जो रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट आया है 2013, इनके अंडर में रजिस्टर्ड होंगी, उन सभी कंपनियों पे लगाम लगाने के लिए सेबी की स्थापना की गई थी। बाद में साल 1992, इन द ईयर 1992 में सेबी को भारतीय पार्लियामेंट के ओर से स्टैट्यूटरी राइट दे दिया गया। अब ये स्टैट्यूटरी राइट या स्टैट्यूटरी पोजीशन क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी राइट कहने का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत सरकार ने छूट दे दिया कि आपको कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी रूल्स बनाने हैं, कोई भी मार्केट से रिलेटेड डिसीजन लेना है, आप खुद से ले सकते हैं। तो आपको ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि सेबी बना कब था, 1988 में, लेकिन तब वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ, तब उस वक्त सेबी जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सेबी को एक स्टैट्यूटरी फॉर्म मिला, कौन से साल में, इन द ईयर 1992 में। तो आइए सेबी के बारे में कुछ और हम जानकारी ले लेते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी, सेबी की जिम्मेदारियां क्या क्या है। सेबी हैज टू बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप Which constitute the market? बोल रहे सेबी जो है मार्केट में तीन अलग अलग ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो कौन कौन से ग्रुप है? पहला, द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी। इश्यूअर कहने का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज कहने का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, ये जो सिक्योरिटीज हैं, इनको जो इश्यू करने वाली कंपनी होती है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, इन्वेस्टर्स। देखिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आप जैसे लोग जो कंपनियों में पैसे लगाते हैं, अगर हम जैसे लोग कंपनियों से विश्वास उठा लेंगे, हमें अगर कंपनियों पे विश्वास नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में कंपनी को कैपिटल जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के सुरक्षा की जिम्मेदारी सेबी के ऊपर होती है। और तीसरा, द मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज कहने का मतलब है
जो ब्रोकर्स होते हैं, जिनको कि हम लोग हिंदी में दलाल कहते हैं, शेयर दलाल, तो इनके लिए भी सेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि कोई भी एजेंसी या कोई भी जो ब्रोकर है वो कंपनियों के शेयर्स को अपने आप नहीं बेच सकता जब तक कि आपके पास सेबी की सर्टिफाई किया हुआ ब्रोकर ना हो, तब तक उनको इसमें एंटर करने नहीं दिया जाता। तो आपको बिल्कुल ये चीज को ध्यान रखना है कि सेबी ये जो तीन लोग हैं, इन तीनों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेबी हैज थ्री फंक्शंस रोल्ड आउट इनटू वन बॉडी। सेबी के तीन फंक्शन होते हैं जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला है क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल और लास्ट है क्वासी एग्जीक्यूटिव। अब ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, क्वासी लेजिस्लेटिव कहने का मतलब है कि सेबी के जो तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन में से पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव मतलब है कि सेबी के पास ये पावर है कि सेबी क्या कर सके, कोई भी मार्केट के लिए, कोई भी मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट के लिए कोई भी रूल वो बना सकता है जो कि मार्केट के फेवर में हो, मतलब ईश्वर के फेवर में भी हो, इन्वेस्टर्स के फेवर में हो, साथ में मार्केट इंटरमीडिएट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सेबी रूल्स बना सकता है। सेकंड जो है दैट इज क्वासी एग्जीक्यूटिव की बात अगर कर लें, एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब है सेबी ने जो रूल बनाया है वो रूल को वो मनवा सकता है। सेबी ने जो रूल बनाया है उस रूल को, सेबी का जो रूल बनाया हुआ रूल है उसको मानना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में जितने भी कंपनीज काम करती हैं उन सभी को सेबी के बनाया हुआ रूल मानना पड़ेगा। ये इसका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरा फंक्शन है। और लास्ट है क्वासी जुडिशियल। अगर कोई सेबी के बनाए हुए लॉज और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर सेबी कार्रवाई भी कर सकता है, अपने अंडर में उसकी कार्रवाई वो कर सकता है। जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको याद होगा, सहारा केस। सहारा केस जो 2012-13 के आसपास का केस है वो भी ये क्वासी जुडिशियल का ही पार्ट है, क्योंकि आपको मालूम होगा सुब्रत राय सहारा जो सहारा के हेड थे वो 2.5 साल तक उनको जेल में रखा गया था, उसका क्रेडिट सेबी को ही जाता है क्योंकि सेबी ने वहां पे क्वासी जुडिशियल का जो उसका फंक्शन है उसको उसने ऑपरेट किया था। तो ऐसे कई किस्से आपको मिलेंगे सेबी के। तो फिलहाल मैं आपको अभी जो सेबी बता रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल मार्केट के बारे में आपको अगर जानकारी लेना है तो आपको पहले सेबी को जानना जरूरी होता है, इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी के बारे में क्या लिखा गया है, कंपनी होता क्या है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में, एक्ट मतलब इस कानून में रजिस्टर्ड हो या इससे पुराने किसी कंपनीज लॉ में रजिस्टर्ड हो, उन सभी को कंपनी कहा जाएगा। तो देखिए, हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आज भी हमारे देश में कई कानून है जिसमें ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज को, लॉज की झलक पाई जाती है। तो उसी से रिलेटेड है, 1956 में हमारे देश में पहला कंपनीज लॉ बनाया गया था और उसके बाद उसी कंपनी लॉ को कंटिन्यू करते हुए 2013 में उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए और उसके बाद एक रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट लाया गया 1956 के जगह, तो उसको कहा गया रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट 2013। तो रिवाइज्ड कंपनीज एक्ट 2013 में साफ तौर पे लिख दिया गया कि या तो आप 2013 के एक्ट में या तो इसके प्रीवियस मतलब 1956 के एक्ट में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आपको कंपनी, आपके नाम के साथ कंपनी वर्ड जोड़ा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर क्या होता है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं शेयर, ये शेयर क्या होता है। देखिए, कभी भी कोई भी
किसी को भी अगर कोई कंपनी चलाना है तो कंपनी चलाने के लिए हमारी जरूरत क्या होती है। कंपनी चलाने के लिए भाई पहला तो हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी कि हम पैसा कहां से जुगाड़ करें। तो भाई मान लो अगर मुझे एक कंपनी चलानी है, 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, और मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए है भी, तो अगर वो 100 करोड़ रुपए मैं एक बार में बिजनेस में लगा दूं तो ये माना जाएगा कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब क्यों? देखो कंपनी में ठीक है आप 100 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन क्या भरोसा कंपनी आगे कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट कभी एक जैसा नहीं होता है, हमेशा वो फ्लक्चुएट होता है। कभी बहुत अच्छा चल रहा है तो कभी ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत डाउन में आ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर बिजनेस अच्छा चला तो ठीक, लेकिन अगर बिजनेस डाउन में आ गया तो उस कंडीशन में तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, 100 करोड़ तो डूबने के कंडीशन हो जाएंगे, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कभी भी 51% या उससे ज्यादा शेयर्स, उस 51% या उससे ज्यादा का जो कैपिटल है, पैसा है, वो हम खुद से लगा लेते हैं। बाकी का पैसा, कुछ पैसा हम क्या करते हैं, पब्लिक से लेते हैं। पब्लिक को अगर मान लीजिए किसी एक आदमी को बोलते हैं कि देख भाई मैं 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा हूं, तो आपको क्या करना है, मैं 100 करोड़ में से 60 करोड़ लगा रहा हूं, लेकिन 40 करोड़ आप लगा दीजिए। तो सामने वाले आदमी से अगर आप 40 करोड़ मांगेंगे, क्या वो इतने आसानी से दे देगा? कभी नहीं देगा। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए वही 40 करोड़ को मैंने सपोज 100 रुपए के एक एक शेयर में बांट दिया, 100 रुपए के छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया, तो 40 करोड़ को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 40 लाख। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया है, 40 लाख है शेयर्स मैंने मार्केट में निकाल दिए, और एक शेयर का दाम मैंने कितना रखा, 100 रुपए। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई 100 रुपए अगर कोई मुझे देगा तो मैं उसको अपने कंपनी का हिस्सेदार बना लूंगा, शेयर होल्डर बना लूंगा, तो अब 100 रुपए के लिए ज्यादा कोई सोचेगा नहीं, ठीक है भाई 100 रुपए की तो बात है। मतलब हम अगर एक बड़ा अमाउंट किसी से मांगते हैं तो वो सामने वाला आदमी देने से मना कर सकता है, लेकिन अगर हम वही अमाउंट को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दें, तो एक एक यूनिट अगर छोटे छोटे डिनोमिनेशन के 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के अगर रखते हैं तो इंसान को उसको खरीदने में दिक्कत नहीं होगा। तो वो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे यूनिट्स को ही शेयर कहा जाता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और कंपनी कितना शेयर्स इशू करेगी, कैसे इशू करेगी, ये सब के बारे में जो जानकारी है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में ये चीज को लिखा गया है कि कंपनी के शेयर्स कंपनी के लिए गुड्स के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे। अब शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो याद रखिएगा शेयर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, तो आइए अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं। इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर का मतलब है कि ऐसे शेयर्स जो कंपनी में मालिकाना हक रखते हैं, मतलब जो एक तरीके से देखा जाए कंपनी का मैक्सिमम रिस्क बियर करते हैं, उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो रहते हैं, कभी भी पेमेंट अगर होता है, कभी भी आपको शेयर के बदले जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न इन द सेंस उसको डिविडेंड कहा जाता है, अगर कभी भी डिविडेंड मिलता है तो पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड दिया जाता है, और उसके बाद क्या है, बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। तो याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दिया जाता है कभी भी पेमेंट की बात आए, इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। अब अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, तो वही जो चीज मैंने अभी कहा, डिविडेंड जब बांटने की बात होगी तो उस कंडीशन में डिविडेंड भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और डिविडेंड जो वर्ड है, डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश। लाभांश कहने का मतलब है, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, अंश मतलब होता है हिस्सा। प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो जब शेयर होल्डर में बांटा जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर आर पेड एट द एंड। कभी भी कंपनी अगर मान लीजिए वाइंड अप होता है, वाइंड अप मतलब कभी भी कंपनी अगर बंद होती है, तो उस कंडीशन में
आखिरी पैसा जो पेमेंट किया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। वही जगह कभी भी अगर कंपनी वाइंड अप करने की बारी आई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। याद रखिएगा, मतलब हर तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर पे रिस्क ज्यादा है। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स रहता है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 10% 15% जो भी है वो फिक्स रहता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, मतलब जो आए दिन फ्लक्चुएट अप डाउन होता है। अब अगर हम रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन कहने का मतलब है रीपेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ने जो भी पैसा लगाया है तो वो पैसा कंपनी जब तक कंटिन्यू चलता रहेगा वो पैसा बिजनेस में पड़ा ही रहेगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर चाहे तो वो अपना कैपिटल को विथड्रॉ कर सकता है। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि मालिक होते हैं बिजनेस के, तो मालिक को बिजनेस के डिसीशन लेने का अधिकार है। इसलिए कभी भी एजीएम होता है कंपनी का, एजीएम कहने का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, तो उस मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर हाथ खड़े करके अपना वोट दे सकते हैं किसी भी डिसीशन के अगेंस्ट में। और वही जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी वोटिंग राइट नहीं रहता है, क्योंकि इनको तो खाली अपने पैसे से मतलब रहता है। पैसा मिल गया तो आपको और कुछ नहीं बोलना है। कन्वर्टेबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि आप खुद मालिक है। अब मालिक को क्या कन्वर्ट करोगे? मालिक को कन्वर्ट करके आप बोल तो नहीं सकते कि भाई आप आ जाओ हमारे मेंबर बन जाओ या फिर हमारे स्टाफ बन जाओ। भाई मालिक मतलब जिसके अंडर में पूरा कंपनी है, तो उसको आप कहां से कन्वर्ट करोगे? लेकिन प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें, प्रेफरेंस शेयर को अगर हम चाहें तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वापस कर दिया जाता है, तो उसी तरीके से अगर कभी पैसा वापस करने से पहले हम अगर चाहें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम वहां पे ऑफर दे सकते हैं कि आप अगर चाहें तो हमारे कंपनी के मालिक बन सकते हैं, मतलब आप हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर को हम अगर चाहें तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी को कभी भी प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एरियर ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को कभी भी एरियर्स नहीं मिलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी साल, जैसे इस साल कोरोना है, कोरोना के वजह से कई कंपनियां बंद चल रही है, तो अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है और अगर उसके पास डिविडेंड बांटने के लिए नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते कि आने वाले साल में अगर प्रॉफिट होगा तो पिछले साल के प्रॉफिट को जोड़ के दीजिएगा, ये वो नहीं बोल सकते, उनके पास कोई राइट नहीं है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन लोग ये चीज़ को बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कई वैरायटी के होते हैं, तो उनमें से एक प्रेफरेंस शेयर होता है जिसे कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जो ये बोल सकते हैं कि अगर करंट ईयर में हमको डिविडेंड नहीं मिला तो आने वाले साल में आप हमको क्या करेंगे? डिविडेंड देंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर होती है। तो अब अगर ये अंतर समझ में आ गया तो मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। जल्द ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें आपको और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे जल्दी। टेक केयर, गुड डे अहेड, बाय बाय।